नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात एक ऐसे एफएमसीजी किंग की करने वाला हूँ दोस्तों। जी हाँ, एफएमसीजी किंग मैं इसे इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे बड़ी एफएमसीजी कंपनी इंडिया में और कोई भी नहीं है। और सिर्फ मार्केट वैल्यू में दोस्तों, ब्रांड वैल्यू में भी देखेंगे तो इससे बड़ी कंपनी कोई भी कहीं भी मुझे नजर नहीं आती है दोस्तों। और यकीन मानिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तेजी को लेकर के, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले जो 1 से 2 हफ्ते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज की जो क्लोजिंग है दोस्तों, ये भी हमें देखनी पड़ेगी कि क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाला समय इस सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, तमाम सेक्टर के लिए क्यों बहुत चैलेंजिंग होने वाला है और निवेशकों को क्या करना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ढूंढने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, या दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लगभग आप यहाँ देखेंगे ना तो फ्लैट सी क्लोजिंग दी है दोस्तों। ठीक है, इस क्लोजिंग में जो अच्छी चीज है वो साफ है दोस्तों। एक समय में ये 2450, जी हाँ दोस्तों, 2450 के नीचे ट्रेड कर रहा था दोस्तों। और ये टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक होता चला जा रहा था, और ये लेवल बिल्कुल से बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी एचयूएल के ऊपर, और मैंने कहा था कि भाई एचयूएल के लिए ना ये 1500 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूटा तो फिर 2450 के जो दरवाजे हैं वो तुरंत खुल जाएंगे। और देखिए, कुछ ही समय में स्टॉक 2450 के आसपास भी ट्रेड करने लगा है दोस्तों। रीजन देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि जो जो रूरल डिमांड है, जी दोस्तों, जो रूरल डिमांड है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, उस पे अब आप कह सकते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो गई है। कि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इस बार का जो सीजन है, हॉट है, जो समर सीजन है, वो बहुत बहुत हद तक गर्म होने वाला है, जिसके कारण जो फार्मिंग है, जो हम जो खेती करते हैं, उससे जो उपज पैदा होती है वो बहुत ज्यादा गिरने वाली है दोस्तों। जिसके कारण जो ऑलरेडी रूरल डिमांड है जो इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, उसमें और भी हमको भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। यानी जिसका सीधा सीधा असर सबसे ज्यादा जिस सेक्टर पड़ेगा वो है एफएमसीजी सेक्टर दोस्तों। और उसमें भी मुझे लगता है कि जो एक्चुअल दोस्तों वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम ये ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये अभी भी थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से तेजी होने के चांसेस के बजाय मुझे गिरावट होती ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन हाँ, एचयूएल के लिए दोस्तों नियर टर्म में जो 2350, उसके बाद दोस्तों 2150, और फिर सीधा सीधा 1900 का लेवल, ये तीन लेवल ऐसे दोस्तों जहां पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काफी अच्छा मौका रहेगा इन्वेस्टमेंट का, और एक काफी अच्छे कह सकते हैं खरीदारी के मौके आपको ये स्टॉक इन स्तरों पर दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, और अभी स्टॉक वीक भी दिख रहा है, प्लस बाजार में जो ये गिरावट चल रही है उसका भी असर स्टॉक में दिख रहा है। मुझे ये लगता है कि आने वाले, भले ही अभी नहीं दोस्तों, बाजार अगर बाउंस करता है तो स्टॉक थोड़ा जाएगा, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने में आपको ये स्टॉक काफी अच्छे लेवल्स दिखा सकता है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, प्लस अगर बात करूं दोस्तों मैं एचयूएल की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो मुझे लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एचयूएल आज भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी लगती है। ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, जहाँ पे आप निवेश करके आराम से बैठ सकते हैं, उनमें से एक स्टॉक एचयूएल भी है दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट इसमें भी हो सकती है, तो आप स्टॉक को एसआईपी मोड में खरीदेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा और लमसम अमाउंट से बचे दोस्तों। लेकिन अभी स्टॉक के लिए दोस्तों सबसे पहला 2500 जो नियर टर्म में इसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम पैदा करेगा, और उसके बाद दोस्तों 2600 से लेकर के 2800, ये जो लेवल है ना, इसे तोड़ना मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत ज्यादा टफ रहेगा एचयूएल के लिए। और 2800 के ऊपर तो अभी ये नहीं जाने वाला दोस्तों, तो अभी ये इसी में बड़ा कंसोलिडेशन फेज में चलता रहेगा। और आप पता होगा अभी अभी इन्होंने नमक के अपने ब्रांड को बेचा है दोस्तों, नमक के ब्रांड को अपने बेच दिया है, क्योंकि पता है वहां से कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता नहीं था। और कंपनी का ये मानना है कि भाई हम जो अब आने वाले समय में ना, जो हमारा कोर बिजनेस है, जी हाँ दोस्तों, जो कोर बिजनेस है हम वहीं पे ध्यान देंगे, और
जो इनपुट कॉस्ट अगर वो भी बढ़ती है दोस्तों तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन स्टॉक्स के लिए जो लेवल आप सब मैंने चर्चा की वो नहीं टूटने चाहिए, वरना गिरावट और भी ज्यादा सीवियर हो सकती है। और जिस तरह का प्रेशर एफएमजी सेक्टर में दिखाया जा रहा है कि शायद आ सकता है, उसके कारण आपको आने वाले समय में गिरावट बढ़ती दिखाई दे सकती है। देखिए, अगर आपके पास 50-100 रुपए ऊपर है तो प्लीज बेचने की गलती मत कर लीजिएगा, बल्कि अगर स्टॉक यहाँ से 2300 रुपए के आसपास आता है तो एक एवरेज का मौका हो सकता है दोस्तों, और उसके बाद सीधा 2100 के आसपास। मुझे नहीं लगता ये लेवल्स टूटेंगे, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ ग्रेट चॉइस जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है दोस्तों। कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट टॉप नॉच है दोस्तों, बल्कि यही वो मौके होते हैं जब आपको एचयूएल जैसी कंपनीज में निवेश करने का मौका मिलता है दोस्तों। हाँ, मानता हूँ अपसाइड अभी ज्यादा नहीं दोस्तों, शायद थोड़े समय तक स्टॉक ऐसे ही ऊपर नीचे करता रह जाए, लेकिन अगर गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।